हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में घर का नक्शा कैसे बनाया जाता है। एक एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर दोस्तों आप अपने घर का नक्शा बना सकते हो। उसी के साथ घर का नक्शा तो बन ही जाएगा, पर उसका जो 3D मॉडल है, ठीक है, वो जो घर है उसका जो 3D मॉडल है वो भी आपका इसके अंदर रेडी हो जाएगा। देखिए, वो जो घर है, ठीक है, तो उसका जो 3D मॉडल है वो ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। जैसे मतलब आपका जो प्लान है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे प्लान बनाया, ठीक है, तो उसी को सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, 3D का ऑप्शन आता है, तो उसका वो 3D मॉडल ऑटोमेटिकली बन के रेडी हो जाएगा। मतलब आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपका जो घर है वो बनने के बाद कैसा दिखने वाला है। तो सारी डिटेल में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, ठीक है, तो आपको आपके जो मोबाइल है उसके प्ले स्टोर में जाना है। ठीक है, मोबाइल का जो प्ले स्टोर है, देखिए यहाँ पे प्ले स्टोर है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद, ठीक है, ओपन करने के बाद आपको जो सर्च बार है उसमें लिखना है फ्लोर प्लान। ठीक है, तो आपको आपके प्ले स्टोर में आके, ठीक है, आपको लिखना है फ्लोर प्लानर। फ्लोर प्लानर लिखने के बाद पहला जो एप्लीकेशन आएगा आपका फ्लोर प्लानर क्रिएटर, उस पर आप उसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेमो प्लान आपको मिल जाएगा कि डेमो कैसा है, उसका 3D भी आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप खुद का प्लान बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्लान बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साइड में आपको दिख रहा होगा कि एक प्लान है, वही प्लान मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो साइड वाला प्लान आप देख सकते हैं कि इसकी साइज़ है करीबन 15x30 फीट का प्लान है, और उसके अंदर देखिए पहले हॉल है, ठीक है, उसके बाद वहाँ पर किचन है और रूम है। तो वही प्लान मैं आपको बताऊँगा, आप साइड में देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आप करोगे, ठीक है, तो प्लस का ऑप्शन करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब इसके अंदर आप साइड में प्लान देखिए, पहले क्या है, एक रेक्टेंगुलर होल है, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे, अभी अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप यहाँ से अनडू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल आ गया, जैसे बाजू में आप देख सकते हैं कि हॉल है। अभी जो वो हॉल है उसकी साइज़ क्या है, 13 फीट, मतलब ऐसे जो है ऐसे कितना है, 13 फीट 8 इंच है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो यूनिट है हमारे वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो अभी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो यूनिट है उसको चेंज करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ पे डायमेंशन जो है यूनिट्स, ठीक है, यहाँ पर जाके आपको क्या करना है, फीट इंच कर देना है, जिससे आपके जो सारे डायमेंशन है वो फीट इंच में हो जाए। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पर फीट इंच होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लंबाई है वो कितनी, 13 फीट 8 इंच करनी है मुझे, लेंथ जो है 13 फीट 8 इंच यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने 13 फीट 8 इंच यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरी कितनी होगी, 13 फीट 8 इंच, ये ऐसे जो है, ठीक है, वो 13 फीट 8 इंच है, और जो उसकी विथ है वो 11 फीट है। तो यहाँ पर कितनी है, 13 फीट। यहाँ पर देख लीजिए, उंगली मैंने रखी है, वहाँ पर चेंज होगा जैसे हम ऊपर नीचे करेंगे, तो वहाँ पे मैंने करना है हमें 11 फीट, तो मैं इसको 11 फीट तक कर देता हूँ। ठीक है, 11 फीट एग्जैक्टली हम उसको कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, इसको एडजस्ट करते करते हम क्या करेंगे, 11 फीट। ठीक है, तो ये एक हमारा रूम बन गया है। ओके, अब उसके बाद साइड में आप देखिए तो किचन है, किचन भी कैसा है, रेक्टेंगल है, तो हम किचन के लिए और एक स्क्वायर यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो एक स्क्वायर उठाएंगे, किचन की साइज़ मतलब ऐसे जो है वो कितना है, 9 फीट 10 इंच है, तो इसको हम करेंगे, तो यहाँ पे 9 फीट 10 इंच लाएंगे हम लोग। ठीक है, 9 फीट 10 इंच यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 9 फीट 10 इंच यहाँ पे आ गया, और जो उसकी जो ऐसी है वो मतलब विथ है, ठीक है, वो डेप्थ है वो कितनी, 8 फीट है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं चेंज करूँगा, इसको मैं 8 फीट कर दूँगा। ठीक है, ओके, अब इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली जो पार्टीशन वॉल है वो कम होती है, इसको हम सिंगल वॉल करेंगे, तो इसको थोड़ा और अंदर लाएंगे। ठीक है, यहाँ तक, चलिए, अब ये हो गया। अब बगल में आप देखिए कि यहाँ पे वॉशरूम है, कितना है, 3.5 फीट बाय 5 फीट का, तो उसके लिए और एक रेक्टेंगल यहाँ से हम उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हम लेंगे, 3.5 फीट यहाँ पर करेंगे, ये जो है उसको 3.5 फीट करेंगे। देखिए 3.5 फीट मतलब 3 फीट 6 इंच यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, ये 3 फीट और 6 फीट। ठीक है, और जो उसकी डेप्थ है वो कितनी है, 5 फीट, तो इसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 5 फीट करेंगे।
ठीक है, इसको हम 5 फीट कर देते हैं। ओके, अब इसको उठा के हम क्या करेंगे, अगर आपसे कुछ भी गलती हो जाए तो यहाँ पे अनडू का ऑप्शन है। अब इसको यहाँ पे, यहाँ से हम क्या करेंगे, उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो उसकी जो विथ है उसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, एक हॉल आ गया, किचन आ गया, और यहाँ पे जो हमारा वेस्ट था वो भी आ गया है। अब यहाँ पे स्टेयर है, तो देखिए यहाँ पे स्टेयर है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये स्टेयर का भी ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ड्राइंग रूम किचन ऑफिस है तो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे नीचे हम चलेंगे, देखिए सर्कुलर स्टेयर, स्ट्रेट स्टेयर, ठीक है, ये स्टेयर आ गई। तो उसको आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो आपकी स्टेयर यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप ऊपर देखोगे तो पीछे एक रूम है, तो फिर से हम क्या करेंगे, पीछे एक रेक्टेंगल उठाएंगे यहाँ तक। ठीक है, और देखिए अभी वो रूम की साइज़ कितनी है, 9 फीट है, मतलब ये जो है 9 फीट करनी है हमें। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं 9 फीट करता हूँ, 9 फीट 10 इंच करते हैं, ये हो गया। और उसकी डेप्थ कितनी है, 9 फीट, तो इसको हम कितना करेंगे, 9 फीट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 9 फीट, ओके 9 फीट 11, ओके ये 9 फीट। अब इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक है, तो हमारा जो प्लान है आप बगल में देखते जाना कि वही सेम प्लान में बनाने वाला। अब ये बाकी का है, उसको हम मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ये इतना ही आएगा। ठीक है, उससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा। और यहाँ पर मतलब क्या है कि यहाँ पर और एक चीज़ है, क्योंकि पीछे का कितना है, 3.5 फीट बाय 7 फीट है, तो इसको हम 7 फीट कर देते हैं। और बाकी की जो एक्स्ट्रा जगह है वो हमारी क्या हो जाएगी, मतलब ओपन स्पेस रहेगा, वो 7 फीट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 7 फीट हम इसको 7 फीट करेंगे जैसे प्लान में है। और ये जो जगह बची वहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेक्टेंगल हम सेट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम छोटा कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, और उसको इसको बाहर ले जाएंगे। देखिए गलती हो जाए तो आप अंडू कर सकते हैं यहाँ से, जितनी भी बार आपने गलती की है उसको आप अंडू कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है, चलिए अभी इसको मैंने अंडू कर दिया है, तो और एक रेक्टेंगल हम उठाएंगे। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, छोटा कर देंगे जिससे हमारे जो गलती हो रही है वो ना हो पाए। ठीक है, अब इसको उठाकर तो दोस्तों ये हमने देखिए, अब बगल में देखते जाइए कि वैसा सेम प्लान यहाँ पे मैंने बना दिया है। उसका एरिया भी आपको नज़र आएगा कि कितना एरिया है, जो भी हमने रूम बनाए हैं उसके एरिया भी आपको पता चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये 162 यहाँ पे जो डायमेंशन है वो भी आपको पता चल जाएंगे, टोटल डायमेंशन कितना हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब बात करेंगे इसमें हम रखेंगे डोर्स, मतलब दरवाज़ा जो है वो रखेंगे। तो डोर्स के लिए यहाँ पर जाएंगे और डोर्स एंड विंडो देखिए। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डोर्स दरवाज़ा जो यहाँ पे उठाएंगे और उसको यहाँ पे सेट करेंगे, उसको अंदर की साइड जो भी डायरेक्शन में आप लेना चाहे, ठीक है, वो डायरेक्शन में आप उसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं बड़ा छोटा करने की ट्राई करता हूँ, यहाँ पर हमें रखना है। ठीक है, तो उसको हम देखिए ये दरवाज़ा है। ठीक है, तभी इसको हम क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे दूसरी साइड पर। ठीक है, ठीक है, तो ये दरवाज़ा देखिए, अभी यहाँ पे आप चेंज देखिए, यहाँ पे दरवाज़ा की विथ कितनी रखनी है। तो जो हमारा जो स्टार्टिंग जो दो मेन दरवाज़ा होता है वो 3.5 फीट का होता है, इसको मैं 3.5 फीट करके यहाँ से इतनी यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला दरवाज़ा जो है हमारा सेट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोन कर देते हैं, तो क्लोन करेंगे तो क्या होगा, सेम चीज़ हमारी क्या जाएगी, ओके क्लोन कर नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ये रहा यहाँ क्लोन होके यहाँ पे आ जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, अभी ये यहाँ पर जाने के लिए ये जो हमारा क्या था किचन है वहाँ पर उसको रख देते हैं। ठीक है, उसको यहाँ से टच कर देंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे ऊपर तक ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो गया। अब किचन का दरवाज़ा है वो कितना होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 फीट का होना चाहिए, तो उसको मैं क्या करता हूँ 3 फीट यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखते जाइए, ये 3 फीट में यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3 फीट हम इसको, ठीक है, ये 3 फीट का दरवाज़ा, ओके ठीक है, 3 फीट का हो गया।
अभी यहाँ पर जो है ये कॉमन स्पेस है, ठीक है, तो वो कॉमन स्पेस भी हम कर देंगे, तो यहाँ पर भी एक दरवाज़ा रख देते या फिर इसको जो है ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक दरवाज़ा यहाँ पे उठा के रख देते, इसको हम फ्लिप करेंगे उस साइड पर, ठीक है, इसको यहाँ से और इसको यहाँ तक, ठीक है, तो इसको भी हम डायमेंशन यहाँ पे थोड़ा छोटा वाला डायमेंशन यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, छोटा सा दरवाज़ा रहेगा यहाँ पर। और जो बेडरूम है, ठीक है, वहाँ पर भी जाने के लिए एक दरवाज़ा हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर जो बेडरूम है, ठीक है, उसके अंदर हम रखते हैं, ठीक है, ये दो दरवाज़ा है, उसको हम क्या करेंगे, बेडरूम के साइड मोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अभी इसकी वीत यहाँ पे देखिए 3 फीट का मैं कर देता हूँ, उसको ज़्यादा छोट बड़ा नहीं करना है बेडरूम में, ठीक है, तो ये हो गया। अब उसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक दरवाज़ा है, वो जो बाथरूम का दरवाज़ा है उसको हम ले जाएंगे, तो इसको हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, अभी इसको सिर्फ अंदर की तरफ घुमा देंगे, और जो बाथरूम है उसका दरवाज़ा जो होता है, ठीक है, वो करीबन होता है 2.5 फीट का, तो इसको क्या करेंगे हम 2.5 फीट का कर देंगे, 2 फुट और 6 इंच का, ओके, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से ये जो है यहाँ पर भी एक दरवाज़ा देना पड़ेगा, तो उसको हम और एक दरवाज़ा उठा के यहाँ पर दे देंगे, ये टॉयलेट है हमारा, ये बाथरूम है हमारा, तो इसको अंदर की तरफ कर देंगे और इसको दीवार से ले लेंगे, और ये 2.5 फीट का ही लेना है, तो उसको भी 2.5 फीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे जो प्लान है, अभी हमारा प्लान पूरा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर कुछ फर्नीचर रखना है वो भी रख सकते हैं, विंडो रखनी है विंडो भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए विंडो भी है, ठीक है, वो वर्टिकल में होती है, अभी विंडो, ओके, ठीक है, ये वर्टिकल के लिए विंडो है, और भी है, अगर फर्नीचर में आप कुछ सोफ़ा वगैरह रखना चाहिए, जैसे कि बाथरूम है, तो बाथरूम के अंदर आप क्या रख सकते हैं, इसके अंदर टॉयलेट जो है, वेस्टर्न टॉयलेट जो है उसको उठा के हम यहाँ पे रख दिया, उसके बाद जो है शावर जो है उसको आप ये रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कॉर्नर जो है अब साइज़ अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी बाथरूम यहाँ पे आ गया। उसी तरह से यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो बेडरूम है, तो यहाँ पर आपको बेड मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप बेड रख देना, ठीक है, सिंगल बेड डबल बेड सब मिल जाएंगे। उसी तरह से किचन जो है, तो किचन का जो लोअर कैबिनेट है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है, लंबाई चौड़ाई वो आपके हिसाब से आप उसकी ले सकते हैं, ठीक है, ये लोअर कैबिनेट रहेगा हमारा, तो उसको रोटेट कर इसके लगा सकते हैं, अगर लोअर कैबिनेट नहीं लगाना तो। किचन में देखिए हमने प्लेटफॉर्म रख दिया है, ठीक है, अभी जो बेडरूम है उसके भी लिए उसके भी अंदर फर्नीचर रख देते हैं, जैसे कि नहीं लिविंग रूम में फर्नीचर रख देते हैं, तो यहाँ पे लिविंग है, लिविंग में हमारे सोफ़ा है, तो हम क्या करेंगे सोफ़ा को यहाँ पे उठा के रख देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद सिर्फ आपको करना क्या है, सारा जो मैंने यहाँ पे कर दिया है, अब आपको करना है यहाँ पर देखिए ये 3D का ऑप्शन है, जो मेरी उंगली चल रही है यहाँ पर देखिए 3D का ऑप्शन है, तो ये 3D का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, तो आपका जो पूरा प्लान है वो 3D में रेडी हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से लगने वाला है। तो देखिए ये 3D में हमारा रेडी हो गया, हमने जो प्लान बनाया था, ठीक है, तो वो आपको 3D में यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे, ओके, देखिए ये हमने पूरा जो प्लान बनाया वो अभी 3D में हमारा बन गया है, मतलब इजीली आप जो कर रहे हो, ठीक है, उसको आपका 3D जो है व्यू ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि वो जो आपका जो प्लानिंग है, ठीक है, वो किस तरह से नज़र आने वाला है। तो देखिए रूम के अंदर भी हम जा सकते हैं, पूरा जो प्लानिंग है वो देख सकते हैं, बेडरूम है, बेड के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे शावर है, शावर रूम के अंदर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो स्पेस था वो भी हम कवर कर लिया, ठीक है, यहाँ पे बाथरूम है, बाथरूम का भी हमने सेटअप देख लिया। तो ये पूरा जो प्लान है आज आपने मैंने बताया कि ये सब चीज़ें होती है मोबाइल से, ठीक है, तो ये मोबाइल से सारी चीज़ें आपकी पॉसिबल है अगर आप करने जाओ तो, ठीक है दोस्तों। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में देख के रखी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ये जो पूरा जो प्लान है उसकी जो लिंक है मैंने दे दी है, ठीक है। तो ये था हम दोस्तों पूरा वीडियो कि कैसे हम मोबाइल से घर का जो नक्शा है वो बना सकते हैं।